एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग आए हो? आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों की दुआ हम सब अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सावन की शुभकामनाएं ढेर सारी मेरी तरफ से। तो जी हाँ, आज है सावन, सावन स्टार्ट हो गया तो मैं सोची चलो मैं भी आज तो मैं आज ब्लॉग बना रही थी, मतलब शॉर्ट्स बना रही थी, तो मैंने आज ग्रीन साड़ी वेयर किया था। तो अभी तक पति जी को कुछ नहीं पता है, वो आने वाले हैं, टाइम आप देख सकते हैं 9 बजने वाला है, तो उनका टाइम हो गया है आने का, रात 9 बज रहा है और मैं शॉर्ट्स बना रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मेरी साड़ी कैसी लग रही है, आप लोग बताना, पति जी का रिएक्शन भी दिखाऊंगी कि मैं उनको अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो मैं देखती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, टूटा फूटा जैसा भी हुआ मैंने साड़ी पहन लिया, सही ढंग से तो नहीं आता है पहनने, बट फिर भी पहन लिया मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये ग्रीन कलर का मैंने साड़ी बहुत पहले लिया था और मैं सावन के मंथ के लिए रखा था मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था सावन का महीना आने वाला है, तो मैं कैलेंडर में बहुत पहले देख लेती हूँ कौन सा मंथ में कौन सा फेस्टिवल है, उसके हिसाब से मैं ड्रेस रख देती हूँ। तो मेरे पास ग्रीन ड्रेस बहुत था, मतलब दो ड्रेस ग्रीन है मेरे पास ड्रेस, लेकिन मैं सोची इस मंथ में मेरे एक कॉटन का साड़ी मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्रिटी लगा था, लेकिन मुझे यही है कि मैं पहनने नहीं आता, लेकिन YouTube से मैं जैसे तैसे देख के तो पहन रही हूँ, उतना परफेक्ट नहीं पहने क्योंकि ऑलरेडी ये कॉटन है और मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता, तो फिर भी मैंने लपेट किया है जैसे तैसे। तो अभी पति जी को तो पता नहीं, वो उनको बहुत पसंद है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन यही है कि उनकी बीवी को आता ही नहीं है साड़ी पहनना, तो अभी हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं है कि मैंने साड़ी पहनी हूँ या कुछ भी। तो मैं आप लोगों को बस 5 मिनट में आने वाले हैं क्योंकि टाइम हो गया, देखती हूँ 5 या 10 कभी आगे पीछे भी हो जाता है, तो जैसे आएंगे ना मैं भाई को बोलूंगी धीरे से वीडियो शूट करना, उनका रिएक्शन मैं आपको दिखा दूँ। सर वो ज्यादा बोलते तो नहीं है लेकिन रिएक्शन तो देंगे ही देंगे, तो मैं भी देखूंगी उनका रिएक्शन, आपको भी दिखाऊंगा और आप भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ ग्रीन साड़ी में। ठीक है पति जी के साइड से तो मैं उनके साथ भी थोड़ा शॉर्ट्स थोड़ा बना लेती हूँ। ठीक है एवरीवन, तो फिर हम मैं शॉर्ट्स वगैरह बना के फिर मैं मेरे हस्बैंड और बुबू निकल पड़े थे मॉल के लिए, क्योंकि बारिश आज नहीं थी, तो रात में फिर हस्बैंड बोले कि चलो जो भी लेना ले लो, तो मेरे को ज़्यादा लेना था आलू प्याज, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बाज़ार में मार्केट में बहुत ज़्यादा बारिश कभी भी हो जाती है, तो मैं सोची मॉल से ही मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला सब फिनिश था, तो फिर हम सोचे क्या ले, अब तो बुग्गू सिर्फ बिस्किट ले रहा था, सिर्फ बिस्किट ही हम लिए और कुछ नहीं लिए, इतना बड़ा ट्रॉली आपको जो दिख रहा है वो बुग्गू के कारण, क्योंकि बुग्गू को ट्रॉली में बैठना और खुद से ट्रॉली अब चलाना है उसको, यहाँ पे बुग्गू कंफ्यूज हो रहा था, उसको लग रहा था मैं सब ले लूँ, ऐसा लग रहा था कि सब हमारा ही है, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं बेटा तू एक ही ले सकता है, बहुत महंगा है सब, तो फिर बुग्गू नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, फिर मैंने ही उसको डेयरी मिल्क दिला दिया था, क्योंकि और वो बच्चे के साथ कि कोई बच्चे को देखता है ना तो वो खेलना चाहता है, वहीं पे मॉल में ही देखो जस्ट उसके मीशो का है और बहुत अच्छा अच्छा मीशो का प्रोडक्ट, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है मीशो का, मिशबू का बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सामान परफेक्ट है। हम लोग गए थे पता आलू प्याज लेने मॉल, बट लेके गए लेके आए सिर्फ बिस्किट, क्योंकि सब खत्म हो गया था। आज थोड़ा बारिश नहीं हुआ है तो हम इधर आ गए आज घूमने के लिए, पूरा पापा का पानी पानी है सब जगह, तो अपना पापा का परफ्यूम लिया है, परफ्यूम लगा रहा है, पापा का परफ्यूम ले लिया है। पापा कैसे लगाते हैं परफ्यूम बेटा, कैसे लगाते हैं? तुमको लगा रहा है, पापा कैसे लगाते क्यों?
लगाओ लगाओ, खुद लगाओ खुद लगाओ। कैसे लगाते हो पापा? लगाओ। अरे बाप, अरे बाप। चलो दे दो पापा को, दे दो। लिफ्ट में है, लिफ्ट में जा रहे घर। रूम यहाँ पे हम चप्पल निकाल देते हैं। माहिर ये घर खोल, देखो कैसे मामा है ना, तो वो बोलता माहिर दरवाजा खोल बदमाश। क्या है ये? वेट वाला दिख नहीं रहा है। अच्छा,